अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर भिवंडी से। बता दें कि भिवंडी के खंडूपाड़ा इलाके में अंसार मैरिज हॉल में भीषण आग लगी गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर शादी का फंक्शन चल रहा था, उसी दरमियान आतिशबाजी की गई और आतिशबाजी के बाद मंडप में भीषण आग लगी, जिसके बाद पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। हम आपको बता दें कि पार्किंग के जगह पर जो मंडप बनाया गया था, उस मंडप को जब आग लगी तो पूरी तरह से यहाँ पर मंडप धू धू करके जलने लगा। हालांकि लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तब तक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। हम आपको बता दें कि इस आग के चपेट में काफ़ी गाड़ियां आ गईं, जिसके बाद एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगा। तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां इस आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल की तकरीबन 2 गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कि शादी का यह मंडप था, अंसार हॉल करके यहाँ पर मैरिज हॉल है, और उसी में जब शादी का फंक्शन चल रहा था उसी वक्त यहाँ पर आग लगी और जिसके बाद पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। हम आपको बता दें कि इस इलाके में कई ऐसे मैरिज हॉल हैं जो इनलीगल हैं और यहाँ पर मनपा का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। आग बुझाने के लिए कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है और ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ऐसे कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, ये मैरिज हॉल है और इस मैरिज हॉल के किनारे में किस तरह से बड़ी आग लगी हुई है। दूसरी ओर कई लोग फंसे हुए हैं और जिन्हें निकालने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए मनपा की जो गाड़ियाँ हैं दमकल की, वो पहुँची हुई हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस आग में बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, किसी की जानमाल की दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन वित्त हानि बड़े पैमाने पर हुई है। फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई की जाती है यह देखना उचित रहेगा। अबे हटा यार उसको, नहीं तो छोड़ दो बंगाल गाड़ी।